हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कैलकुलस की नींव है। ठीक है, अगर ये चैप्टर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा या इस चैप्टर में कोई डाउट रह गए तो आपको पूरे कैलकुलस में, एंटायर कैलकुलस में दिक्कत आएगी। कौन कौन से चैप्टर आते हैं कैलकुलस में, जैसे कि इसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शन के बाद हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, जो कि आपका क्लास 11th में ही चैप्टर नंबर 13 है। उसके बाद क्लास 12th में भी आप फिर से रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हैं, जो कि इसके आगे का पार्ट है। और इसके आगे का पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, फिर लिमिट एंड डेरिवेटिव्स आपका क्लास 12th में और आगे भी आता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी। लिमिट के बाद हम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद डेरिवेबिलिटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारा कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है, और ये सारा फंक्शन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सब काम हम फंक्शन के लिए तो करते हैं भाई। हम लिमिट किसकी निकालेंगे, फंक्शन की निकालेंगे। कंटिन्यूटी किसकी चेक करेंगे, फंक्शन की चेक करेंगे। डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, वो भी फंक्शन का ही निकालेंगे। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, वो भी फंक्शन का ही करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपका सेट्स कंप्लीट होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सेट का यूज़ होगा। ठीक है, सेट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, 1.1 से लेकर 1.6 तक, इंक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज। हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो आई होप आपने वो सारी वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है, बिना सेट्स पढ़े अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन पर आए हैं, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली ये बोलूंगा कि आप पहले सेट्स पढ़िए, उसके बाद आप रिलेशन एंड फंक्शन पर आइए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन। देखिए, जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशन, फंक्शन की बात हम बाद में करेंगे। रिलेशन इसका मतलब क्या है, रिलेशन वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं है। रिलेशन का मतलब है संबंध, यानी कि रिश्ता। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिलेशन इन अवर डेली लाइफ, डेली लाइफ में किस तरह के रिलेशन हम देखते हैं। डेली लाइफ में जैसे कि हम लोग देखते हैं ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर ये एक तरह का रिश्ता है। क्लियर, उसके बाद स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट एंड टीचर ये भी एक रिश्ता है। उसके बाद और देखें तो फादर एंड सन का, ठीक है, पिता पुत्र का एक रिश्ता है। ये हमारे डेली लाइफ के रिश्ते हैं। क्लियर, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैथमेटिक्स में क्या रिश्ते होते हैं, तो देखिए मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होते हैं। कैसे, क्या रिश्ते होते हैं, देखिए जैसे कि सपोज कोई दो नंबर है ए एंड बी, तो इनमें भी रिश्ता हो सकता है। कैसा रिश्ता, इनमें छोटे बड़े होने का रिश्ता हो सकता है कि ए बी से छोटा है। ठीक है, ये एक रिश्ता हुआ। उसके अलावा ए इक्वल टू बी, ये एक रिश्ता हो सकता है कि दो नंबर है दोनों में क्या है, इक्वालिटी है, दोनों इक्वल हैं, तो ये एक रिश्ता हुआ। उसके अलावा सपोज हम कोई दो लाइंस ले लें, एक लाइन ले ली हमने एल, एक लाइन ले ली हमने एम, तो इन दोनों लाइन में पैरेलल होने का रिश्ता हो सकता है, या फिर इन दोनों लाइन में पैरेलल ना होने का रिश्ता हो सकता है। क्लियर, ऐसे सपोज हमने कोई दो नंबर ले लिए 2 और 4, तो इन दोनों में क्या रिश्ता है, इन दोनों में रिश्ता है वही क्या है कि 2, 4 का फैक्टर है, ये इसका रिश्ता हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशंस हम डेली लाइफ में देखते हैं, मैथमेटिक्स में हमने देखे हैं। क्लियर, तो अब यहाँ से एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि अगर हमको रिलेशन बनाना है, अगर हमको रिश्ता डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमें दो एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ब्रदर सिस्टर, भाई जो रिश्ता है वो भाई बहन के बीच में है, तो हमें यहाँ पर दो एलिमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, किसकी, भाई की भी और बहन की भी। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट एंड टीचर, यहाँ पर भी हमें दो एलिमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, उनके बीच ये रिश्ता है। ऐसे यहाँ पर भी छोटे बड़े का अगर रिश्ता है तो वो भी दो लोगों में है, भाई एक बड़ा होगा तभी दूसरा छोटा होगा, दो लोग होंगे तभी तो एक को बड़ा बोलेंगे एक को छोटा बोलेंगे। ऐसे ही पैरेलल होने का रिश्ता है, तो उसके लिए भी दो लाइन हमको चाहिए। भाई एक लाइन के लिए तो हम ये डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे कि ये पैरेलल है, भाई पैरेलल है तो किसी ना किसी के तो पैरेलल है ना हो, तो इसी के लिए हमको दो लोगों की जरूरत पड़ रही है। तो यहां से ये चीज तो क्लियर हो गई कि रिलेशन के लिए हमको एक पेयर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि दो एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे यहां पर, पहले हम पेयर बनाना सीखेंगे। ठीक है, पेयर बनाना सीखेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दो सेट्स लेंगे, एक एलिमेंट एक सेट से लेंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लेंगे, और उनके पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये काम हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में। क्लियर, तो यहाँ पर मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि हम किस सीक्वेंस में चलेंगे। भाई हमने ये क्लियर कर लिया यहाँ पर क्या कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो दो लोगों के बीच में होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमको यहाँ पर पेयर चाहिए अब। ठीक है, तो पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो सेट लेंगे और एक एक एलिमेंट दोनों सेट से लेंगे, और पहले पेयर बनाना सीखेंगे, और उसको हम बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या बोलते हैं उनको हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मैं यहां पर लिख रहा हूं कार्टेशियन
प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। और ये काम हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में, वी विल फॉर्म पेयर्स फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स लेंगे और उनके एलिमेंट से हम पेयर बनाना सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये काम हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में। उसके बाद क्या करेंगे, पेयर बनाना सीख लिया, अब उन पेयर्स में हम रिलेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको रिलेशन देंगे कुछ, ठीक है। वो कैसे देंगे, क्या देंगे, वो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल इंट्रोड्यूस अ रिलेशन टू दोस पेयर्स। 2.1 में पेयर्स बनाना सीख लिया, फिर उन पेयर्स को रिलेशन से इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये हम करेंगे काम एक्सरसाइज 2.2 में। उसके बाद पेयर्स बनाना सीख लिया, उन पेयर्स को रिलेशन का नाम दे दिया, उन पेयर्स में रिलेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कुछ रिलेशंस को सेलेक्ट करेंगे और उनको फंक्शन की कैटेगरी में लेंगे, और ये काम हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 में। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में हम काम करेंगे, क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 में तो पेयर बनाना सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 में उन पेयर्स को रिलेशन से इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद जब हम देख लेंगे कि क्या क्या रिलेशंस बन रहे हैं, उसके बाद हम कुछ रिलेशंस को सेलेक्ट करेंगे। भाई हमारी रियल लाइफ में भी तो ये होता है, रिलेशन हमारे बहुत सारे हैं लेकिन हम सारों से कनेक्टेड नहीं है। भाई कुछ रिलेशंस होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, हम नहीं रखना चाहते। कुछ रिश्ते होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं हमारे लिए, हमारे लिए नेगेटिव रहते हैं वो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनको अपने से दूर कर देते हैं, क्लियर, और वही रिश्ते रखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, हम जनरली उन्हीं रिश्तों को रखते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, सारे रिलेशंस देखने के बाद हम कुछ स्पेशल फीचर्स देखेंगे और उन फीचर्स के अकॉर्डिंग कुछ रिलेशंस को सेलेक्ट करेंगे और उनको फंक्शन की कैटेगरी में डाल देंगे, और ये काम हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 में, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 वाला काम शुरू करते हैं। क्या करेंगे, हम पेयर्स बनाना सीखेंगे कि कैसे हम दो सेट से पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, सपोज कोई दो सेट है हमारे पास, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 4, 5। हमें यहाँ पर पेयर बनाना है, तो देखिए पेयर हम कैसे बना सकते हैं। सपोज हमने ये एक सेट में 1, 2, 3 इस तरीके से लिख दिया, इसी सेट को मैंने इस तरीके से लिख दिया, और इसी सेट को मैंने यहाँ पर बी सेट को इस तरीके से लिख दिया। तो अब देखिए पेयर्स हम किस तरीके से बना सकते हैं, पेयर मतलब एक एलिमेंट इसका लो और एक एलिमेंट इसका लो। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम 1, 4 से मिला दें, तो हमारे पास एक पेयर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक पेयर हमारे पास बन जाएगा 1, 4, ठीक है। उसी तरह से हम 1, 5 से भी मिला सकते हैं, तो हमारे पास एक पेयर यहाँ पर बन जाएगा 1, 5, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया 1 के पेयर, ठीक है, 1 के पेयर दोनों के साथ बन गए। अब 2 के पेयर भी बन सकते हैं इसी तरीके से, 2 का पेयर 4 के साथ बन सकता है और 2 का पेयर 5 के साथ बन सकता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2, 4 और 2, 5, ठीक है। उसके बाद 3 का पेयर भी 4 के साथ बन सकता है और 3 का पेयर भी 5 के साथ बन सकता है, तो क्या क्या पेयर बन जाएंगे, 3, 4 और क्या बन जाएगा यहाँ पर, 3, 5। तो ये सारे बन गए पेयर्स, ठीक है। अब इन पेयर्स को अगर हम एक सेट में बंद कर दें, इन पेयर्स को अगर हम एक सेट में बंद कर दें, तो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उन सारे पेयर्स को जो भी हमने लिखे उन सबको यहाँ पर सेट में बंद कर रहा हूँ। क्या क्या थे पेयर, 1, 4 था, ठीक है, उसके बाद 1, 5 था, फिर 2, 4 था, फिर 2, 5 था, फिर 3, 4 था और 3, 5 था। तो इन सारे पेयर्स को मैंने क्या किया, इन सारे पेयर्स को मैंने एक सेट में बंद कर दिया। तो जब इन पेयर्स को हम सेट में बंद कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है और इसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, क्लियर। अच्छा, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब ये है कि इस पेयर में पहला एलिमेंट जो है वो ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो बी से आएगा, और इसीलिए इन पेयर्स को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ही यही है, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं ऑर्डर्ड पेयर, आई होप ये स्पेलिंग सही हो, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि ये जो पेयर में एलिमेंट्स हैं ये ऑर्डर में हैं, क्लियर, कि अगर ए क्रॉस बी है तो पहला एलिमेंट ए से है और दूसरा एलिमेंट बी से है,
क्लियर। तो इसलिए अगर हम बी क्रॉस ए लिखेंगे तो बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए में सारे एलिमेंट जो आएंगे, अब सारे जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें पहला एलिमेंट बी से रहेगा और दूसरा एलिमेंट ए से रहेगा। तो इसमें क्या क्या पेयर बन जाएंगे, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होगा, भाई यहाँ पर 1,4 बन रहा है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास 4,1, मतलब पहला एलिमेंट बी से है और दूसरा एलिमेंट ए से है, ठीक है। तो सारे के सारे यही पेयर्स रहेंगे लेकिन उल्टे हो जाएंगे, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, बी क्रॉस ए आ गया। तो बी क्रॉस ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 4,1, 5,1, ऐसे ही 4,2, 5,2, 4,3 एंड 5,3, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास बी क्रॉस ए, क्लियर। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे कि ये 1,4 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 4,1, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, क्लियर। और ये दोनों अगर इक्वल नहीं हैं, अगर इन दोनों सेट के एलिमेंट्स ही इक्वल नहीं हैं, तो ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि इनके एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं। तो ये हमने समझ लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्या होता है, दो सेट लिए, उन दोनों सेट का एक एक एलिमेंट लिया और हमने पेयर बनाया, ठीक है, उन सारे पेयर्स को हमने एक सेट में बंद कर दिया, उसको हमने बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी को समझने के बाद अब हम डेफिनेशन आराम से समझ सकते हैं। तो देखिए डेफिनेशन यहां पर क्या लिखी हुई है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, क्लियर। और इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे इसको कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर हमको कुछ इस तरीके से दिखेंगे, एक पेयर में क्या रहेंगे, दो चीजें रहेंगी एक पेयर में, तो उनको हम लिख सकते हैं इस तरीके से a, b, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू a, b सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, क्लियर। ये सेट है ऑर्डर्ड पेयर का जिसमें ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, और इसमें खास बात ये है कि ए जो है वो ए से बिलोंग करेगा क्योंकि हमने ए क्रॉस बी किया हुआ है, और बी जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बाद में आ रहा है, क्लियर। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, क्लियर। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम समझ लेते हैं जल्दी से, फिर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इफ इधर ए और बी इज द नल सेट देन ए क्रॉस बी विल आल्सो बी एम्प्टी और नल सेट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और अगर एक सेट नल सेट है, मतलब एक सेट में कुछ भी नहीं है, तो ए क्रॉस बी भी नल सेट ही होगा, तो ए क्रॉस बी में भी कुछ भी नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, कोई सेट मेरे पास ए है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, और कोई बी सेट है जो कि नल सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। नल सेट का मतलब क्या है, खाली सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है। तो अब ए क्रॉस बी अगर मैं करना चाहूँगा, सपोज ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी करने के लिए मुझे पेयर बनाना है। अब पेयर यहाँ कुछ है ही नहीं, तो कैसे बनाएंगे भाई, रिश्ता लेके जा रहे हो किसी के यहाँ पर, और उस घर में अगर लड़की नहीं है तो किसके लिए रिश्ता लेके जाओगे, तो फिर आपकी शादी हो पाएगी क्या, कोई पेयर हो पाएगा क्या। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पेयर पॉसिबल ही नहीं होगा, सो नो पेयर पॉसिबल, क्लियर। तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा यहाँ पर, ए क्रॉस बी भी 5 होगा, ये भी एक नल सेट होगा, ठीक है, यही बात लिखी हुई है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि सपोज कोई दो ऑर्डर्ड पेयर हैं a, b एंड p, q, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब जब a इक्वल टू p होगा और b इक्वल टू q होगा, ठीक है। तो इसी को मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देता हूं कि इफ a, b इज इक्वल टू p, q देन इट डबल इम्प्लाइज, मतलब ये उल्टा भी सही है, ठीक है, कैसे अभी दिखाता हूँ वो भी। इफ a, b इज इक्वल टू p, q देन इट डबल इम्प्लाइज a इक्वल टू p एंड b इज इक्वल टू q, और ये उल्टा भी सही है कि अगर हमको a इक्वल टू p दिया हुआ है और b इक्वल टू q दिया हुआ है, तो a, b p, q के इक्वल होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस पर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, अभी एग्जांपल में भी हम करेंगे और एक्सरसाइज में भी करेंगे, क्लियर। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, देखिए क्या है,
इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी, इसका मतलब क्या है? इफ नोटेशन का मतलब ये हमने सेट में पढ़ा था, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी पी इंटू क्यू होगा। सिंपल सी बात है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल लिए थे ए कोमा बी, ठीक है, मतलब ए और बी दो सेट हमने लिए थे यहाँ पर। तो ए में एलिमेंट थे हमारे पास तीन और बी में एलिमेंट थे दो, तो टोटल कितने पेयर्स बन रहे थे यहाँ पर? टोटल हमारे पास छः पेयर्स बन रहे थे, ठीक है, मतलब 3 × 2 इज इक्वल टू 6। बस वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर एक सेट में पी एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में पी इंटू क्यू एलिमेंट्स होंगे। क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड इधर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, देन सो इज ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये है कि अगर दो सेट है हमारे पास और दोनों में से कोई एक सेट अगर इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट मतलब उसमें एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, तो ए क्रॉस बी भी एक इनफाइनाइट सेट ही होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर एक सेट में इनफाइनाइट नंबर हो गए, जैसे कि यहीं पर अगर सपोज बी सेट में मैं इनफाइनाइट नंबर कर दूं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स कर दूं यहाँ पर, तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, और ये इनफाइनाइट हो गए तो फिर ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए वो भी क्या होगा, वो भी इनफाइनाइट सेट ही होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, क्लियर। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। देखिए फिफ्थ पॉइंट में क्या किया हुआ है, इसमें तीन सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला हुआ है, ठीक है, तो हम तीन सेट का क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, क्लियर, जैसे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी किया हुआ है। तो देखिए अगर हम तीन सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अब हमारे पास पेयर नहीं बनेगा, अब हमारे पास ट्रिपलेट बनेगा, ए कोमा बी कोमा सी, क्योंकि हम तीन सेट का कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ये भी ऑर्डर में ही होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर रहे हैं तो जो ट्रिपलेट बनेगा उसमें पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा और तीसरा एलिमेंट सी से आएगा, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है, ये आसान है, क्लियर, कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, इट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट वेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट एंड थर्ड एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड सेट, क्लियर। चलिए और देखिए, इसी की जगह अगर हम बी और सी की जगह भी वही सेट ले लें, मतलब हम किसी सेट का उसी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, ये दो सेट के लिए भी अप्लाई हो सकता है और तीन सेट के लिए भी अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर तीन सेट के लिए क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस ए, इसका मतलब क्या है कि हम एक ही सेट से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए क्रॉस ए, तो इससे जो हमें ट्रिपलेट मिलेंगे उसमें तीन एलिमेंट होंगे, ठीक है, और वो तीनों एलिमेंट उसी सेट से होंगे। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है, ए कोमा बी कोमा सी, इट इज द सेट ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स वेयर ऑल थ्री एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए, क्लियर। ये चीज आपको अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी, और अच्छे से अभी हम एग्जांपल में क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर, और आपको एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपके इंट्रोडक्शन की थ्योरी कंप्लीट हुई यहां पर। अब इसके 6 एग्जांपल यहां पर दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो एग्जांपल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस थ्योरी को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से एक एक चीज को समझिए, उसके बाद आप इन एग्जांपल को सॉल्व कीजिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के एग्जांपल के साथ। थैंक यू।